एस्टर, नेमिंग ऑफ एस्टर, एस्टर है क्या पहले तो ये समझिए। तो ESTR, एस्टर। मैंने ये लिया RC(OOH), ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक लिया मैंने अल्कोहल और इनमें से वाटर निकाला, यानी एक मॉलिक्यूल एसिड का और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का। पहले तो दोनों एसिड होते थे, किसमें, एनहाइड्राइड में। तो RC(OO) और यहां क्या बन जाएगा, R। तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर ये रखा, सबसे पहले एसिड, फिर उनको प्रायोरिटी में लाने लगा जिसमें से H2O निकल जाए। समझ में आ रही है बात, H2O निकल जाए तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, तो एनहाइड्राइड सेकेंड नंबर का सीनियर बन जाएगा, फिर अल्कोहल आएगा, सही है। तो वही मेरे दिमाग में था कि सीनियरिटी ऑर्डर भी इसी तरह से डिसाइड किया जाए। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये सारे कंपाउंड्स मेरे क्या कहलाएंगे, अब आने वाले जो भी एसिड से बन रहे हैं वाटर लिब्रेट कर करके, एसिड एंड हाइड्राइड। समझ में आ रहा है, एसिड एंड हाइड्राइड, सॉरी क्या बोल गया मैं, एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्या कहलाएंगे, एसिड डेरिवेटिव्स। एस्टर, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एमाइड, ये सब एसिड में से वाटर निकल के ही बने, आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए ठीक है, ये हमारे लिए एस्टर हो गया, -H2। तो हम नेमिंग करें इसकी, नेमिंग कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले तो ग्रुप को पहचानो, फंक्शन ग्रुप RC(OOR)। जरूरी नहीं है दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, इसलिए मैंने आर डैश भी लिख सकता हूं। लेकिन ये बात क्लियर हो गई मेरे यहां पर कि अगर आर और आर डैश अलग अलग हैं कौन सीनियर होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो इस तरफ है वो हमेशा सीनियर रहेगा, और भले उसमें कम कार्बन हो या ज्यादा हो। तो ये कहलाएगी प्रिंसिपल चेन PC, और ये क्या कहलाएगा, साइड चेन SC, लोकेंट इस जगह। इसको हम लिखते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्रेफिक्स से भी पहले, ठीक है ना, प्रेफिक्स पहले लिखेंगे लेकिन सबसे पहले। तो एक तरह से ये सबसे पहले लिखा जाने वाला है, राइट फर्स्ट। इसको आप सेकेंडरी प्रेफिक्स भी बोल सकते हो, और ये हमारे लिए रहेगा रूट नेम, रूट वर्ड रूट या रूट वर्ड रूट नेम, यही डिजाइन करेगा वर्ड रूट नेम। इसमें अगर तीन कार्बन है, तीन और एक चार, इसको काउंट कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, तो ब्यूटेन वाली फील आएगी। अब आता है इसका प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब क्या हो रहा है, पहले लिखना, और पहले लिखना मतलब इससे बड़े भगवान मौजूद हैं उस कंपाउंड में, जैसे COOH जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे बड़ा तो वही होगा, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहां हमारे को इसका प्रेफिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेफिक्स कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं, और अगर प्रेफिक्स लिखना है तो हमारे को यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेफिक्स लिखते वक्त एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेन चेन में जुड़ा किस तरफ से, ओ से जुड़ा हुआ है, इस तरह से भी जुड़ा हो सकता है मेन चेन की तरफ से, ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर सॉरी आर, और ऐसे भी जुड़ा हो सकता है, ये दोनों ही प्रेफिक्स में, मेन चेन बनी हुई सी है उसके अंदर COOH ग्रुप है, हो रहा है। अब या तो ये ऐसे जुड़ा होगा या फिर ये ऐसे जुड़ा होगा मेन चेन में, ये मेन चेन बना दी मैंने कोई सी भी, समझ में आ रही है बात। तो ये मेन चेन में जुड़ा हुआ है,
ये तो मेन चेन हो गई सीनियर चेन या प्रिंसिपल चेन। प्रेफिक्स का मतलब यही है कि इससे बड़े ग्रुप वहां पर अवेलेबल है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन से मेन चेन में जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर ये कार्बन से मेन चेन में जुड़ा हुआ है। दो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके प्रेफिक्स भी क्या होंगे, दो। तो जब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको ऑक्सीजन की तरफ से देखेंगे, तो इसका नाम हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरह से जुड़ा हुआ है इसकी नेमिंग इधर से स्टार्ट होती है, इसमें इधर से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी। तो ये R और ये कार्बन दोनों काउंट किए जा सकते हैं प्रेफिक्स के लिए भी, यानी अगर यहां तीन है तो यहां पर चार हो जाएंगे, चार हैं तो कितने हो जाएंगे, पांच। और जब यहां पर हमारे पास पांच हो जाएं या कितने भी हो जाएं तो प्रेफिक्स क्या बनेगा, एल, इस जगह स्पेशली। तो यहां पर प्रेफिक्स जब हमारे पास आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारी नेमिंग इधर से स्टार्ट हो रही है, तो ये कार्बन काउंट हो रहा है। मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एक और एक दो, तो एथेनॉयल, यहां तक तो पहुंच गए एथेनॉयल, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ओएल, उसके बाद ऑक्सी और फिर मेन चेन का जो भी नाम है। ये तो इसका क्या हो गया, प्रेफिक्स नेम। अगर यहां से जुड़ा हुआ है तो इधर से चालू होगा एल्कॉक्सी, यानी मेथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और मेन चेन में जो भी है उसके बाद ये कार्बोनाइल, इसको बोलेंगे कार्बोनाइल, सिर्फ इसको कार्बोनाइल, सी डबल ओ कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है, केवल सी डबल ओ कार्बोनाइल, और फिर उसके बाद मेन चेन। लेकिन अगर ये सफिक्स है, सफिक्स का मतलब यही भगवान है, तो हम क्या सोचेंगे, तो ये हो जाएगा, सफिक्स का मतलब यही भगवान है, तो ये हो जाएगा एल्केनोएट, एल्केनोएट, एल्केनोएट का मतलब हो गया जितने भी कार्बन है उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला जो सी एस्टर वाला कार्बन है वो भी आपके साथ क्या है, इन्वॉल्व है, तो एल्केनोएट। तो आईयूपीएसी नेम आपका हमेशा इसमें यही होगा, क्योंकि आपका एक तरह से सफिक्स क्या होगा, ओएट, देखा जाए तो ओएट। तो यहां बनेगा एल्केनोएट। लेकिन यहां पर दो बातें आ सकती है भाई, दो बातें क्या हो सकती है, कि कार्बन काउंट ही नहीं हो पा रहा, कौन सा वाला कार्बन, सी डबल ओ वाला, एस्टर वाला, तो कभी ऐसा हो जाएगा तो कार्बोक्सीलेट बोलेंगे आप, कार्बोक्सीलेट, तो यहां हो जाएगा एल्केन कार्बोक्सीलेट, तो यहां हमारे पास आएगा कार्बोक्सीलेट, एलएटी। तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यहां एल्केन नहीं आएगा, एल्काइल आएगा, एल्काइल कार्बोक्सीलेट, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से आपके पास आएगा, समझ में आ गया, एल्काइल कार्ब, एल्काइल एल्केन कार्बिनोइट, थोड़ा सा मैं और सही कर रहा हूं। एल्काइल एल्केन कार्बेनोइड, क्योंकि एल्काइल ग्रुप भी, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, सबसे अच्छा है एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जो हम इसके लिए ले रहे हैं एल्केनोइड से, यहां पर भी एल्काइल एल्केनोइड आएगा, समझिएगा कैसे, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था ये क्या हो जाएगा, ये वाला राइट फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल क्यों, क्योंकि यही भगवान है इस जगह, तो सबसे बड़ा ग्रुप यही है, तो क्या बोलोगे आप, मिथाइल, इसका नाम लिख दिया आपने मिथाइल, और फिर ये क्या हो जाएगा, एल्केनोइड, तो
तो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, क्या इस कार्बन को आप मेन चेन में काउंट कर पा रहे हो? हाँ, एक दो तीन चार पांच, तो पांच को क्या बोलोगे आप? पेंटेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। एक और एग्जांपल, अब क्या नाम होगा, क्या इस ग्रुप को आप काउंट कर पा रहे हो? नहीं ना, तो कैसे लिखोगे इस जगह? मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सीलेट, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सीलेट, आ रही है बात समझ में? एक और एग्जांपल, अगर ये इस तरह से होता, कैसे? तो क्या नाम होता? क्या इस कार्बन को मेन चेन में काउंट कर पा रहे हो? हाँ, मेन चेन हमेशा इस तरफ होती है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इस जगह साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल इथेनोइड। आपको समझ में आ गया ये एग्जांपल? मैंने हमेशा कहा है, ध्यान से सुनना, ओ के साथ जो अटैच हो रहा है, ओ के साथ, वो पहले लिखा जाता है। साइक्लोहेक्साइल एल्काइल हो गया, इथेनोइड। कुछ समझ में आ रहा है? साइक्लोहेक्साइल इथेनोइड, ठीक है। एक और एग्जांपल, यहां तक अच्छे समझ में आ गया आपको? इसका नाम क्या होगा? मेरे हिसाब से साइक्लो हेक्साइल, क्योंकि वो पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल लिखा जाए या ब्यूटेन लिखा जाए, साइक्लो प्रोपाइल लिखा जाए या प्रोपेन लिखा जाए? प्रोपेन, बिल्कुल सही कहा। प्रोपेन इसलिए क्योंकि क्योंकि अब ये वर्ड रूट है, साइक्लो प्रोपेन, दोनों के साथ आइल नहीं लगेगा, साइक्लो प्रोपेन एल्काइल एल्केन कार्बोक्सीलेट, कार्बोक्सीलेट, इजी है नाम, समझ में आ गया? छोटी सी भी गलती आपके लिए बड़ी हो जाएगी, हाँ या ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? आपने कितने एग्जांपल कर लिए अलग अलग तरह के, एक दो तीन चार, इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल आपके लिए मैं ले लेता हूं, एक दो और एग्जांपल, फिर हम एक क्लास टेस्ट करेंगे वापस। करें स्टार्ट, एक और एग्जांपल, कौन सा नंबर का हो जाएगा? दो तीन चार पांच, सी डबल ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव। आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े भगवान उपस्थित हैं यहां पर, तो अब ये छोटे भगवान का क्या नाम आएगा? प्रेफिक्स, प्रेफिक्स आएगा या नहीं आएगा? सही है। अच्छा, थोड़ा सा बड़े और घुमा देते हैं क्वेश्चन, ये लो डबल बॉन्ड भी लगा दिया। सोचो अब क्या होगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई अब तो ये वन टू किस तरफ जाए, सोच के बताओ, डबल बॉन्ड, क्यों? क्योंकि अब ये भगवान नहीं रहे, अब ये क्या हो गया, इंसान बन गया, और डबल बॉन्ड हमारे लिए क्या है? देवता। अगर पहले भगवान था, लेकिन जब बड़े भगवान हो जाते हैं तो वो फिर वो क्या बनना पड़ता है उन्हें? इंसान, और उनकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मजा आ गया। अब किसकी नेमिंग पहले करी जाए? लोकेंट की, लोकेंट की, वो तो वर्ड रूट के साथ आएगा पाई बॉन्ड, तो लोकेंट कौन है? यहां, और लोकेंट की नेमिंग करते हैं तो इस तरह से होती है, दूर से, तो कैसे स्टार्ट होगा? ध्यान से सुनना, एल्कोक्सी, इधर से स्टार्ट होगा एल्कोक्सी पहले,
ठीक है, तो एल्कोक्सी का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम इथॉक्सी, फिर उसके बाद कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनिल भी बोल सकते हैं, एनवाईएल, निल बोलेंगे या नाइल बोलेंगे, कार्बोनिल या नाइल, जो भी आपको लगे। हाँ, लेकिन पोजीशन बतानी जरूरी पड़ेगी, तो 5-ethoxy बोलना पड़ेगा। अब तो सही है, ठीक है, कार्बोनाइल आपके पास हो गया। अब क्या करें अपन, अब तो मेन वर्ड रूट पे आ जाएं। और कोई लोकेंट दिख रहा है आपको, ब्रोमो क्लोरो नहीं दिख रहा, तो साइक्लो हेग्स, अब क्या हो रहा है, साइक्लो हेग्स। एल्कीन की पोजीशन क्या है, 2 या 3, 2, जहां से स्टार्ट होता है वो कवर, तो साइक्लो हेग्स 2-ईन। सी डबल ओ एच का कार्बन मेन चेन में काउंट हो पा रहा है क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसको एक और तरह से हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल बनते रहेंगे, अच्छा लगेगा। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, सेम यही कंपाउंड है, सी डबल ओ एच बिल्कुल वही है, लेकिन इस बार मैं सी टू एच फाइव ओ सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी सी एस थ्री लिख रहा हूं, यानी पता तो चला ही एस्टर है, अलग तरह से नंबरिंग स्टार्ट होगी, वही 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहां लॉक कर दो। अब प्रेफिक्स में इस तरह से काम आएगा, तो एल्केनोइल, एल्केनोइल में ये क्या हो जाएगा, मिथेनोइल या इथेनोइल, जोर से बोलो, मैंने नहीं सुना, इथेनोइल, क्योंकि दो कार्बन है वो, तो ये हमारे पास जो आएगा इथेनोइल, आगे इथेनोइल के बाद ऑक्सी, मेथॉक्सी, अगर कुछ भी नहीं होता ना, एक भी कार्बन नहीं होता तो ऑक्सी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन है, इथॉक्सी, नहीं तो ऑक्सी तो हम बोलते ही, इथॉक्सी, इज दैट क्लियर, अगर एक भी कार्बन नहीं होता ऑक्सी, एक कार्बन होता मेथॉक्सी, इज दैट क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी। अब आगे बाकी तो ये कट कॉपी कर लो, साइक्लोहेक्सेन 2-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्स 2-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ कुछ समझ में आया, तो यहां तो हमारे पास आएगा एथेनोइल, एथॉक्सी, साइक्लोहेक्स 2-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं, कोई डाउट हो पूछ लो, टेस्ट के समय आपके पूरे सही होने चाहिए, है क्या कोई डाउट। अब ये वाला बेटा, ये नेमिंग, जब भी ये लोकेंट बनता है तो नेमिंग हमेशा इधर से ही होती है, दूर से, तो जब इस तरह से ये यही केस है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल्कोक्सी, यानी कि कितने कार्बन है, 2, तो एथॉक्सी, क्या बेटा, हाँ तो ऊपर वाला ही ले रहा हूं, ये अच्छा ये वाला बिल्कुल, तो एल्केनोइल, तो ये क्या हो जाएगा इथेनोइल, इथेनोइल, और फिर उसके बाद इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी, लेकिन इथेन भी है तो एथॉक्सी, प्रोपेन होता प्रोपॉक्सी, मेथेन होता मेथॉक्सी, तो यहां तो हो गया इथेनोइल एथॉक्सी, फिर साइक्लोहेक्स, बाकी तो आप जान ही चुके हो, कुछ पूछना है, अच्छे समझ में आ गया। अब टेस्ट करें, आप चाहे तो बीच बीच में रूल्स देख सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन आंसर सही चाहिए मुझे, तो करें स्टार्ट टेस्ट के लिए। चलिए आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें सही चाहिए।
पहला एग्जाम्पल में बहुत इजी ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं इजी लूंगा, थर्ड एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल सिक्स एग्जाम्पल सेवन, इसको बोलेंगे बेंजीन, और सी डबल ओ एच है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये आठ एग्जाम्पल हैं, आठों सही करना जरूरी है। तो नाउ फर्स्ट, नॉर्मल एस्टर है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, मेन फंक्शन ग्रुप यही है जो दिया गया है, हाँ या ना? तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं तो किस तरह से लिखूंगा, इथाइल, सबसे पहले इथाइल, सही है। अगर यहां पर मैं थोड़ा सा और एक्सचेंज करता, आप मत करना, यहां पर ब्रोमीन लगा देता, या यहां पर एम, यहां पर भी मैं इथाइल लगा देता, ये ऐसे, तो क्या, और यहां पर ब्रोमीन लगा देता, तो क्या दोनों इथाइल को एक साथ लिखा जा सकता है? नहीं, वो अलग इथाइल है। आप चाहो तो आप ऐसे कंडीशन में डैश भी लगा सकते हो, उसका काम खत्म हो गया। अगर उस पर भी ब्रोमीन जुड़ा होता तो ब्रोमो इथाइल लिखते आप, अरे ये बात समझ में, इथाइल। अब नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, टू नहीं, थ्री ब्रोमो, पहले तो वो आएगा, थ्री ब्रोमो टू इथाइल, थ्री ब्रोमो टू इथाइल, आ गया बात समझ में? कितने कार्बन है, चार ब्यूटेनोइड। आप चाहो तो इसको अलग से एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हो, इज दैट क्लियर? इथाइल थ्री ब्रोमो टू इथाइल ब्यूटेनोइड, कुछ बुक्स इसको ब्रैकेट में लिख देती है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिखेंगी तो भी हम सही मान लेंगे। इस का नाम देते हैं, मेन चेन कौन सी रहेगी, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, आप ब्रैकेट में लिखते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन मेरा ये मानना है, ब्रैकेट में मैं तब लिखता हूं जब इसके अंदर भी कोई साइड चेन हो, जैसे इसमें भी बीआर होता तो ब्रोमो इथाइल क्लोरो इथाइल, तो मजा आता, नॉर्मल के लिए तो इथाइल सही रहेगा। अब आगे, अब मेन चेन को नाम देना शुरू करें, साइक्लो प्रोपेन, मजबूरी यह है कि इस कार्बन को हम यूज नहीं कर पा रहे मेन में, कोई बात नहीं, तो फिर अब हम क्या बोलेंगे इसका, कार्बोक्सीलेट, कार्बोक्सीलेट, इज दैट क्लियर? तो कार्बोक्सीलेट हमारा
हो गया है स्टार्टिंग। इस जगह यहां बड़े भगवान है तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3। बस अब भूल जाओ उसके पास कितने हैं। तो शुरू करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन के साथ ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा, इस जगह ब्रैकेट की जरूरत होगी क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, 2 भी हो सकती थी 3 भी हो सकती थी। आ रही है बात समझ में? अगर यहां से लंबी होती तो हम और बढ़ा ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, 4 कार्बन हो गया ये, तो ये नहीं कि इधर से चले जाएंगे। नंबरिंग तो लास्ट कार्बन तक होगी, अब तो वो लोकेंट हो गया, उसकी औकात बिल्कुल कैसी हो गई, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन की होती है तो वैसे चलेगा। तो यहां हमारे पास हो गया 3। अब बताओ इसकी जब ये लोकेंट बन जाता है तो नेमिंग कहां से स्टार्ट होती है, पीछे से या आगे से? पीछे से। तो क्या बोलोगे आप, ये क्या बन जाएगा, 1 और 2, 2 कार्बन, क्या बन जाएगा ये, इथे, क्या बोले जोर से बोलो, इथेनॉयल। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉयल, और फिर उसके बाद क्या बोलोगे, ऑक्सी, इथेनॉयल ऑक्सी, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्यूटेन, अगर आपने 3 बनाया, 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड, और 4 बनाया तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये तो है ही। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? इस जगह 1 2 बस खत्म, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं खत्म हो गई 1 2। तो क्या बोलोगे आप इस जगह, यहां आपको पोजीशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि 1 2 में 2 ही होगा, 1 तो होने से रहा इस जगह, लेकिन ठीक है अगर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, 2 नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी इसकी, पीछे से, तो क्या हो जाएगा ये, मिथॉक्सी, कार्बो नाइल, मैंने आपको बताया था नाइल के, कार्बोनाइल हो गया। आगे 2 कार्बन है, ये तो खत्म हो गया, इथे नोइक एसिड, हाँ या ना? इसको देखते हैं, ये थोड़ा खराब सा लग रहा है, यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा अच्छे से? यहां नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि सबसे बड़े भगवान ये हैं, फिर उसके बाद देवताओं की पूजा होती है, तो यहां 2 3 4 5 6 बस खत्म बात। तो कैसे नाम जाएगा इसका, 6 ब्रोमो। आगे 2 क्लोरो, आगे 5, ब्रैकेट बनाना शुरू कर दो आप। तो इसी हिसाब से तो हमारे को यहां पर ये 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मोर करेक्ट ये माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5, फिर अब ब्रैकेट के साथ इसकी नेमिंग इधर से स्टार्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल या इथाइल, इथेनॉयल आ जाएगा, 2 कार्बन है, इथेनॉयल ऑक्सी, खत्म इसका काम, इथेनॉयल ऑक्सी, साइक्लो हेक्स 3-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत अच्छे से आ सकती है। इधर से देखिए 1, अब तो कहीं से भी कर दो, 2 3 4, 4 क्या रहेगा इसका, मैथॉक्सी,
मैथॉक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी है, यहां देखते हैं, ये तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो यहां से नंबर 1, 2, 3, 3 पे हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल 2 और 1 3, प्रोपेन ऑयल ऑक्सी खत्म, बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। तो आजकल तो बेंजोइक एसिड का ही ट्रेंड है, जितना इजी लिखा जा सकता है बेंजोइक एसिड। इसका नाम लिखें, इधर से नंबरिंग चालू होगी, इथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजोइक एसिड। लिख लें इसको, कितने सही किए? 8 में से 8 किसने सही करे? हाथ खड़ा करो। 7 कौन सा गलत किया तुमने? पोजीशन 8th वाले में पोजीशन सही नहीं ली, 2 लिखी है, तो बिल्कुल सही है, गलती तो मैंने करी है। इस जगह पोजीशन जाएगी 1 और 2, पोजीशन जाएगी वास्तव में, अगर आपने लिखा है तो आप सही हैं, 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल, बाकी सब सही है, तो 8 ही सही है तुम्हारे। लिखें इसको,